आज हम यहाँ देखेंगे कि ब्रेक एडजस्ट कैसा किया जाता है। सबसे पहले तो अपने को ब्रेक ड्रम बाहर निकालना है और प्लस स्क्रू ड्राइवर ले लेना है। और यहाँ पे अपने को आप दिख रहा है कि एक ब्रेक एडजस्टर रहता है, और ये ब्रेक एडजस्ट ओनली रियर ब्रेक ड्रम में ही किया जाता है, डिस्क ब्रेक में किया जाता नहीं है। और सबसे पहले तो अपने को ब्रेक एडजस्ट करने के लिए यहाँ जो दिखा रहे हैं वो जो टीथ है, ब्रेक एडजस्टर के जो टीथ है वो उसको टीथ को घुमाना है, जो कि अपने को ब्रेक शू को बाहर फैलाना है। और उसके बाद में फैलाने के बाद अपने को एक बार मोमेंट करके देखना है कि कितना फैला है। उसके बाद में ड्रम को लगा के एक बार ड्रम को घुमा के देखना है कि ड्रम ईजी घूम रहा है कि नहीं। उसके बाद में जैसा कि यहाँ एक और एक दिख रहा है कि जो कि लॉक है, वो जो टीथ को लॉक किया जाता है उसको लॉक बोलते हैं, वो एक स्प्रिंग दिख रहा है, वो सबको बराबर देख चेक करना है और फिर से बराबर वहाँ पे लगाना है। और उसके बाद में अपने को ब्रेक ऑपरेटिंग करके देखना है जैसा कि परफेक्टली ब्रेक लग रहा है कि नहीं। उसके बाद में जैसा कि सिलेंडर को भी एक बार चेक करना है, सिलेंडर के पिस्टन ऑपरेटिंग हो रहे कि नहीं। इसके बाद में अपन को यहाँ ब्रेक एडजस्ट बराबर हुआ कि नहीं ये चेक करना है। थैंक यू दोस्तों, बाय।